छपरा में पहली पाली की परीक्षा खत्म होते ही छपरा के ओवरब्रिज के दोनों तरफ 3 से 4 किलोमीटर तक भीषण जाम लग गया। लोग 40 मिनट से सड़कों पर फंसे हैं। जाम की स्थिति से निपटने को लेकर कोई भी तैयारी या बल सड़कों पर नजर नहीं आया और उसकी तरह ट्रैफिक पुलिस ही थे। परीक्षा की भीड़ को लेकर इसके लिए पूर्व से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिखी, जिस वजह से शहरों के सभी मार्ग जाम में तब्दीली नजर आए। कई जगह एम्बुलेंस जाम में फंसे नजर आए। परीक्षा सेंटर पहुंचने वाले छात्र छात्रा सड़कों के किनारे से निकलने का प्रयास करते दिखे। कई इमरजेंसी सेवा में पहुंचने वाले भी परेशान नजर आए। दोनों तरफ से सड़कों पर जाम से हलकान रहे लोग। हालांकि पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से जाम पर काबू पाया गया। छपरा में परीक्षा के कुल 70 केंद्र बनाए गए, जिसमें कुल 55 परीक्षा केंद्र सदर अनुमंडल क्षेत्र में है। सबसे ज्यादा सेंटर होने के कारण शहर में परीक्षा को लेकर ऐसी स्थिति सामने आती रहती है। सुनिए क्या कहते हैं छपरावासी। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। दारू बालू उसी पे है। जिला प्रशासन जो है हमेशा अपना एजेंडा बना के चल रहा है। जाम लगे या फिर किसी तरह का कोई भी समस्या, उसको ध्यान नहीं है। इस पे डीएम साहब को और एसपी साहब को संज्ञान लेना चाहिए। और कल से, आज तो ठीक है किसी तरह से लोगों को निकाल दें, लेकिन कल से उनको ये चीज़ करना चाहिए कि कल से जाम नहीं लगे और यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको, कितने लंबे जाम में परीक्षार्थी भी फंसे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, परीक्षार्थी भी फंसे हुए हैं। जिनका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है वो छूटने का खतरा है, और अगर एक बार एग्जाम छूट जाएगा तो फिर उनको अगले साल का मौका मिलेगा, तो एक साल उनका बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा जैसे कि चुनाव के दौरान जिला प्रशासन भारी का बड़े बड़े वाहनों का स्टैंड शहर से बाहर बना देता है, जिससे शहर में जाम नहीं लगता है, वैसे ही मैं निवेदन करूंगा जिला प्रशासन से, जो भी है गाड़ियाँ आ रही है शहर में जिनके चलते जाम लग रहा है, उनको एक समुचित जगह देखकर एक स्टैंड बना दे ताकि ये जाम का जो व्यवस्था हो शहर में जाम ना लगे, क्योंकि बड़ी संख्या में देख रहे हैं कि एक गाड़ी में दो दो एक एक लोग बैठ के आ रहे हैं और गाड़ी लगा रहता है और जाम हो जाता है। इसलिए निवेदन है जिला प्रशासन से कि जो भी गाड़ियाँ शहर में आ रही है उसको शहर के बाहर ही का स्टैंड बना के उसको रोक दे। कुमार भार्गव। लोग जाम के नाम से जानते हैं, तो आखिर इस जाम का कारण क्या है और निदान क्या हो सकता है? अभी फिलहाल जो दो तीन वर्षों से यहाँ ये ब्रिज का काम चल रहा है, जिसके कारण जाम का वो भी एक रूप हो गया है। दूसरा आम पब्लिक में भी अवेयरनेस नहीं, मतलब जन जागरूकता की कमी है, जागरूकता की बहुत कमी है। अगर जागरूक हो हम और सिस्टम से हम काम करें तो प्रशासन और काफी मदद मिलेगी और जाम से निदान की हमें और बाकी बेतरह तभी की गाड़ियाँ सारे लोग रोड में पार्किंग पे लगा देते हैं। जाम का सबसे बड़ा मुख्य कारण ये भी कि हमें खुद भी सोचना चाहिए कि हम किस सिस्टम से रहे। यहीं के लोग जाके दूसरे राज्यों में ठीक हो जाते हैं और हमारे अपने राज्य की स्थिति को देख के उसको तकलीफ होती है। एक सरकार की व्यवस्था के ऊपर हम फेंक देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक सरकार सिर्फ सब कुछ नहीं कर सकती। जब तक हम नहीं चाहें हमारे अंदर बदलाव नहीं होगा, तब तक समाज का बदलाव। हेलमेट तो रोड चेकिंग होता है, हेलमेट की चेकिंग रोज होती है, लेकिन ट्रैफिक रूल को कैसे पालन करना है इस पर ना ही प्रशासन का कोई योगदान देता है, ना प्रशासन इसके अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आम पब्लिक को जागरूक करती है, ना ही कोई रास्ता ना अपनाती है, जिस कारण से वन में अगर है। परीक्षा के समय के अलावा की बात करें तो फिर भी जाम रहता है हमेशा। तो जाम के नाम में लगता है कि इंडिया में नंबर वन है, ऐसा जाम तो इंडिया में कहीं नहीं है। बाकी तो रेड सिग्नल पे सिग्नल खुल भी जाता है, रेड सिग्नल परमानेंट रहता है। ये छपरा का ये इसीलिए कहते हैं कि लगातार छपरा लगातार बीमार छपरा, हमारा जिला बेचारा है, लगातार है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रमोद कुमार। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।